और ये किसकी टोटल स्क्रीन जो फ्रंट है वो ग्रीन कलर का आ रहा है और हल्की सी बारीक बारीक लाइन भी है, ये अब आप देख सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ है और मेरे चैनल का नाम है स्टार अल्ताफ। सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबा दें। अब हम इस आपको इसकी बैक साइड से चेक कराते हैं भाई इसमें कौन सा फॉल्ट है कौन सा नहीं। इसमें फॉल्ट ये है कि इसकी ग्रीन गन जो है वो शॉर्ट है। अब हम आपको चेक कराते हैं इसकी बाकी गनों में कितने कितने से वोल्ट आ रहे हैं। ये इसकी ब्लू गन है और फ्रंट को देख सकते हैं, ठीक है जी। ये इसकी रेड गन है, इसके भी वोल्ट पूरे आ रहे हैं, ठीक है जी। इसके भी आ रहे हैं, इसके 155 वोल्ट आ रहे हैं, 155 वोल्ट आ रहे हैं, इसके 183 वोल्ट आ रहे हैं, इसके 12 वोल्ट आ रहे हैं, 12-13 वोल्ट, ठीक है जी। इसका ये फॉल्ट है, इसके ये ग्रीन गन का जो ट्रांजिस्टर है ना, इसके ये 3 ट्रांजिस्टर होते हैं इसके गन को ऑसिलेट करने के लिए। एक ये होता है ब्लू के लिए, ये रेड के लिए और ये ग्रीन के लिए, ठीक है जी। इसका तरीक़ाकार ये होता है, इसके ये वाला आईसी इसमें लगा हुआ है LH76810, इसका नंबर है LH76810, लेकिन इससे ड्राइव आती है ये वाली तार, ये आप देख रहे हैं, ये इधर आती है यहाँ पर बेस में, ठीक है आप देख रहे हैं। ये इसमें से ये तीनों ड्राइवें आती हैं, रेड ब्लू ग्रीन रेड, ठीक है जी। यहाँ पर 9 वोल्ट आते हैं, ये तीनों गन्ने होते हैं, ये ग्राउंड होता है, इससे ये ऑसिलेट करता है, ये इसमें 180 वोल्ट आते हैं। लेकिन अब आप चेक कर लेते हैं क्या ट्रांजिस्टर में पूरे वोल्ट आ रहे हैं कि ट्रांजिस्टर के बैक साइड के जो रेजिस्टेंस होते हैं 180 के वो तो नहीं ख़राब। यहाँ पर इसके 180 वोल्ट आएंगे यहाँ पर, ठीक है आप देख रहे हैं। यहाँ पर 195 वोल्ट आ रहे हैं और ये आगे रेजिस्टेंस निकाल रही है, ठीक है जी। अब ये इसकी रेड गन की भी निकाल रही है, ये अब ग्रीन गन की ये वाली है, ये यहाँ पर निकालेगी, लेकिन ये अब शार्ट है। अब चेक करते हैं ये ट्रांजिस्टर निकाल कर क्या ये शार्ट है, इसकी वजह से नहीं आ रहे या ये रेजिस्टेंस डेड हो चुकी है। यहाँ पर 10K भी होती है और 12K भी होती है। अब हम निकाल कर चेक करते हैं। अब हमने इसके ग्रीन गन का ट्रांजिस्टर निकाल दिया है, यहाँ से आप देख रहे हैं, और हमारा अब टीवी ब्लू ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ग्रीन गन जो शार्ट थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब इसलिए ब्लू गन सामने जो इसका ब्लू बैकग्राउंड होता है वो शो हो रहा है, ठीक है जी। अब हम इसका ये ग्रीन गन वाला ट्रांजिस्टर लगा देंगे, फिर हमारा टीवी ओके होएगा। अगर आपको ना मालूम हो रहा हो हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर ख़राब है तो आप ऐसा करें, ये भी निकाल दें, ये भी निकाल दें, तीनों निकाल दें, तीनों निकालने के बाद एक एक लगा कर चेक कर लें। जिसका आप लगाएंगे वो रंग शो हो जाएगा, क्योंकि इसका चाइना का टीवी को ना बैकग्राउंड में ब्लू दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहले ये ब्लू ऑन होता है। जब टीवी ऑन होता है उसके बाद बैकग्राउंड पर डिस्प्ले आ जाती है ब्लू की। अगर फ़ोटो लग जाए तो फिर तो तीनों गनों पर बराबर वोल्ट आते हैं। अगर फ़ोटो ना आए, एंटीना या डीवीडी ना खुद लाएँ, तो उसके बाद ये सिर्फ ब्लू आना होता है। ब्लू पे वोल्ट ड्राइव पहले आ जाती है, लेकिन बाकी रेड और ग्रीन बाद में आती है, इसलिए हमारा पहले ब्लू ऑन हो चुका है, बाद हमें रेड और ग्रीन होगा, क्योंकि इसमें फ़ोटो नहीं है। फ़ोटो आएगा तो फिर वो तीनों शो होंगे बराबर। ये अब आप देख सकते हैं इसका नंबर 2482C2482, लेकिन ये अब मीटर पर ठीक नज़र आ रहा है, मीटर पर चेक किया ठीक है, लेकिन इसके जो अंदर है वो नीचे दो पॉइंट होते हैं ना, इनके अंदर कार्बन बन जाता है, कार्बन की बिना पर ये शार्ट हो जाता है। इससे बेहतर है इसको दोबारा लगाने के बजाय नया लगा दें, ताकि दोबारा ये टेंशन ना बने। अब हम इसमें ये नया लगा रहे हैं। अब हमने ये ट्रांजिस्टर लगा दिया है और आप फ्रंट से भी देख सकते हैं, हमारा टीवी ओके हो चुका है।
اللہ حافظ.